प्रधानमंत्री जी को मेरा नमस्कार। नमस्ते जी, क्या शुभ नाम? ममता कुमारी। ममता जी नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं ममता जी? मुखर्जी नगर और उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र से बोल रही हूँ। मैं आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ कि आज हम जीतते ही जा रहे हैं और जनता के दिलों को भी जीत रहे हैं। विपक्ष बार बार झूठी खबरें फैलाता है, बार बार झूठ पर झूठ बोलता है। सामाजिक समरसता और देश की एकता पर राजनीतिक लाभ के लिए प्रहार किए जा रहे हैं। तो हम कार्यकर्ता जो काम करते हैं, हमें बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। तो ऐसे में आप कैसे इतना शांत और संयमित रहते हैं, कृपया बताएं। और जैसे अभी परीक्षा की तैयारियों में जो परेशानी होती है या जो भी तरीके के तनाव होते हैं, उससे निपटने के लिए आपने बहुत सारे सुझाव दिए हैं हमारे स्टूडेंट वॉरियर्स से। तो क्या चुनाव के मद्देनजर हम कार्यकर्ताओं के को भी तनाव से निपटने के लिए आप कुछ सुझाव देंगे, या फिर हमारे लिए भी कुछ इलेक्शन वॉरियर्स जैसे मंत्र कुछ हमारे लिए भी आप देंगे, जिससे हम अपने तनावों के साथ आसानी से काम कर सकें और आपकी तरह बिल्कुल संयमित होकर ही अपने राज्य से आगे बढ़ सकें? ममता जी नमस्ते जी। आपका आपकी बात तो सही है, लेकिन जो आपने कहा कि कभी कभी गुस्सा आता है, मेरी सबसे पहला सुझाव होगा कि गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ उपनिषद में कहते हैं सत्यमेव जयते नानुतम, अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है। और इसलिए हम जिस रास्ते पर हैं, सबका साथ सबका विकास, ये जो मंत्र हमने स्वीकार किया, आप हैरान होंगे, दुनिया के जिस भी देश में मैं गया हूं, उन सभी देश के जब मुखियाओं को मिलता हूं तो वो अपनी अपनी भाषा में सबका साथ सबका विकास का ट्रांसलेशन करके मुझे सुनाते हैं। उनको लगता है कि ऐसा मंत्र है कि इसके बाद कुछ कहने को रहता नहीं है। तो पहली बात है कि हमें गुस्सा करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि संयम से, संयमित भाषा से जितने भी प्रहार होते हैं उसको झेलते हुए हमारे मार्ग पर हमें चले रहना चाहिए। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, उनकी बातों में हमें कभी फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम भी उसमें उलझे, हम भी तनाव पैदा करने में किसी न किसी रूप में कारण बन जाए। हमने किसी भी हालत में उनके इस हथकंडों को मजबूत नहीं होने देना चाहिए, हमने कभी भी उसका हिस्सा सत्य बोलने के उत्साह में भी नहीं होने देना चाहिए। तो पहली बात है तो हमने करना चाहिए। जहां तक एग्जाम वॉरियर की बात की, वो एक अलग विषय है। चुनाव जीतने का बहुत सीधा सीधा मंत्र है, अगर हम पोलिंग बूथ जीतते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने का एक ही मंत्र होता है, पोलिंग बूथ जीतो। पोलिंग बूथ जीतने का तरीका होता है कि पोलिंग बूथ में बहुत ही अच्छी कार्यकर्ताओं की टीम होनी चाहिए, और ये टीम चुनाव जीतने की एक मशीन नहीं होनी चाहिए, ये जनसंपर्क का सबसे बड़ा हमारी टोली होनी चाहिए। समाज के छोटे से छोटे व्यक्तियों से डेली मिलते जुलते रहना चाहिए, उनके सुख दुख को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की नीति निर्धारण में पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता नीचे से ऊपर की तरफ जानकारी पहुंचाता है और ऊपर से नीचे की तरफ मार्गदर्शन पहुंचाया जाता है, और जानकारियों के आधार पर नीतियां बनती हैं, रणनीतियां बनती हैं, और मार्गदर्शन के आधार पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। अगर ये चेन परफेक्ट रही तो मैं नहीं मानता हूं कि हमें कभी भी तकलीफ होती है। और आपने सही कहा कि जहां तक विपक्ष का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, दो पहचान बन चुकी है आज देश में राजनीतिक दलों की। एक राजनीतिक दल है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के रूप में काम कर रहा है, गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की पहचान है जीत पर जीत, जीत पर जीत। और कांग्रेस के नेतृत्व में बने हुए किसी भी प्रकार से
मोदी को हटाओ, किसी भी प्रकार से कुर्सी छीनो, इस काम में लगे हुए लोगों का पहचान है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और इसलिए एक तरफ जीत पर जीत, जीत पर जीत, तो सामने है झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और इसलिए हमारा काम है जीतते चले जाना, और अटल जी ने कहा था कमल खिलेगा कमल खिलाते जाना, यही मूल मंत्र लेकर के चले। हमारे संगठन में भी समाज के सभी स्तर के लोग होने चाहिए। पोलिंग बूथ में भी कोई सब्जी की लॉरी चलाने वाला व्यक्ति है वो भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होना चाहिए। गांव का पढ़ा लिखा इंसान भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होना चाहिए। गरीब से गरीब निर्धन व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होना चाहिए। ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। तो पार्टी सर्वसमावेशक हो, सर्वदूर हो, सार्वदेशिक हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। ममता जी, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।